शाजापुर शहर में जहां इको टोल टैक्स के माध्यम से टोल कर्मियों को नगद राशि वाहनों के द्वारा दी जाती है जो कि रोड पर चलने का ट्रैक होता है, उसके बावजूद भी कुछ टोल कर्मी दोहरी राशि का भुगतान करवा रहे हैं। ताजा मामला इंदौर टोल टैक्स का है जहां पर शाजापुर निवासी दिलीप सोरास्टे पिछले दिनों इंदौर जा रहे थे। इसी दौरान उनके फास्टैग में रिचार्ज खत्म हो गया था जिससे इनसे नगद भुगतान करना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके फास्टैग में रिचार्ज करवा लिया गया था। इसके बाद भी फास्टैग के द्वारा भी टोल कर्मियों ने राशि काट ली गई। टोल कर्मियों की मनमानी आए दिन देखने को मिल रही है। टोल के लिए कड़े नियम का कानून बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि आए दिन टोल पर लोगों की मादाफोड़ी होते हुए देखी जाती है। इंदौर गया था तीन मतलब कार्यक्रम में सम्मिलित होने, तो इंदौर का मांगलिया का टीम से है टोल टैक्स, उसमें मतलब थोड़ी देर तक पैसे बताते हैं कि आपके बैलेंस नहीं है आपके, और थोड़ी देर आगे गाड़ी बढ़ जाती नगद ले लेते हैं, उसका थोड़ी देर गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो उसमें मैसेज भेजा था कि भाई ये बैलेंस भी है, मतलब बैलेंस भी कट जाता उसमें, और हमने फिर वहाँ उनसे चर्चा करी तो उन्होंने स्पष्ट मतलब संतोष पर जवाब वगैरह नहीं दिया, वहाँ के मैनेजर वगैरह से मिल के करी तो उन्हें जिनसे वो उनसे निपट लेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो ये आगे तक साधन स्तर तक जाएगा, नितिन माननीय नितिन गडकरी मोदी तक, तो ज़्यादा अच्छी कार्यवाही होगी कि भाई इसमें इस तरह की कार्यवाही क्यों हो रही है, कोई पैसे बैलेंस होने के बावजूद भी काट रहे हैं, वो नकद भी ले रहे हैं और काट भी रहे हैं वो क्या, अब वापस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके वापस लेने जाएगा नहीं आदमी पैसे उसमें, तो इसमें उचित कार्यवाही करें शासन स्तर से। शाजापुर से संवाददाता हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।